हिंदू मैरिज एक्ट में हमने अपने पहले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट थे उसके बारे में, एसेंशियल ऑफ हिंदू मैरिज क्या थी, वर्ड और वर्डेबल मैरिज क्या थी, वहां तक हमने डिस्कस किया था। आज हम इससे आगे चलते हैं। मैरिज एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है के लिए आदमी को बहुत सीरियस होना पड़ता है। जो कपल्स हैं वो एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे की भावना को समझे और एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता। पक्षकारों के बीच में कई बार झगड़े हो जाते हैं, वो झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। कई बार जो है इमोशनल मैटर्स आ जाते हैं, कई बार फैमिली आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में एक पक्षकार दूसरी जगह रहने लगता है या उनके यहाँ जाता नहीं है या फिर डिवोर्स के मैटर आ जाते हैं। तो आज हम इस सेकेंड लेक्चर में बात करने वाले हैं जुडिशियल सेपरेशंस क्या है, रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स क्या है, डिवोर्स क्या है, इसके अलावा मेंटेनेंस और दूसरे मिसलिनियस प्रोविजंस। अर्थात आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो है हमारे सेक्शन 9 में दिया हुआ है। कोर्ट में दो तरह के केसेस बहुत जाते आते, एक होते हैं रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स के, दूसरे होते हैं डिवोर्स के। तो रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स होता क्या है, जैसे पति पत्नी आपस में साथ रह रहे हैं लेकिन कोई भी, या तो पति या पत्नी, एक दूसरे का जो कोहैबिटेशन है, साथ रहना है, उसको छोड़ देते हैं। पत्नी या तो मायके चली जाती है, पति या पत्नी को लाता नहीं है, और उनके बीच में इस तरह के वैमनस्य हो जाते हैं, कई बार मार पिटाई हो जाती है कि एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। जो पक्षकार गया है उसका अपने कुछ जस्टिफिकेशन होगा, और दूसरा पक्षकार जो समझता है कि उसका जो कोहैबिटेशन है, उसके साथ रहने का जो उसका, उसकी वाइफ का या पति का जो अधिकार है, वो दूसरा पक्षकार नहीं निभा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में एक पिटीशन लाते हैं, मेरी पत्नी या मेरा पति मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, तो इसके लिए आप ऑर्डर करें, तो कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं। तो इस सेक्शन में यही कहा है कि लॉ प्रोवाइड्स दैट व्हेन आइदर हस्बैंड और द वाइफ विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, जब हस्बैंड और वाइफ में कोई भी एक दूसरी सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, तो एग्रीड पार्टी कोर्ट में आती है। तो ये एग्रीड पार्टी सेक्शन 9 में आती है, और जहां तक विड्रॉल की बात है फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब वो एक जस्टिफाई कारण होना चाहिए विड्रॉल का। अगर जस्टिफाई कारण है विड्रॉल का तो कोर्ट ऑर्डर नहीं करता, अगर जस्टिफाई कारण नहीं है तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि वो उसके साथ रहे या उसको अपनी पत्नी को लाओ। कई बार जो है ये बात आती है कि इस बात को कौन साबित करेगा कि जस्टिफाइड नहीं, तो हमारे यहाँ पर ट्रायल प्रोसीजर है, तो दोनों पक्षकारों को अपनी बात को कोर्ट में कहना पड़ता है, स्टेटमेंट्स दर्ज होते हैं, एविडेंस होती है, वो सब आता है, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट को लग रहा है जस्टिफाइड है तो वो और उसको खारिज कर देगा, और उसको लग रहा है कि दूसरा पक्षकार जो है वो बिना किसी कारण के चला गया है या उसकी कंपनी में नहीं रह रहा है, कोहैबिटेशन नहीं है, तो ऑर्डर करेगा उसको लाने। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं आगे कि किन परिस्थितियों में कोर्ट ऑर्डर करता है, किन में नहीं करता, जो पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ नहीं रह रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, भाई क्यों नहीं रहा। अब इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि सपोज करिए कि वाइफ अपने मायके के चली गई और वो पति के घर नहीं आ रही है, और वो कोर्ट में आता है कि मेरी वाइफ जो है आ नहीं रही है, मेरे साथ नहीं रही है, तो उसको क्या क्या साबित करना होगा। प्राइमरी बर्डन तो उसी के पास ही है, हस्बैंड के पास, वो सब चीज़ें कोर्ट के सामने रखेगा, लेकिन फिर पत्नी अपनी बात को कहेगी कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है, मुझे अच्छे से नहीं रखता है, टोंट करता है, मेरा हरेसमेंट करता है, तो वो जब कोर्ट देखेगा कि भाई इसकी बात जस्टिफाई है पत्नी की, तो वो उसको खारिज करेगा, अदरवाइज तो ऑर्डर करेगा कि तू उसके साथ जा कर के रहे। तो एक इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, एक बार एक केस आया आंध्र प्रदेश का, टी सरिता का केस है। उसमें टी सरिता के केस में ये आया था कि पक्षकार जो थे आपस में डिस्प्यूट थी और पति और पत्नी साथ नहीं रह रहे थे, तो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति के साथ फोर्स करना तो बहुत ही गलत है, बारबरस है, और ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट आर्टिकल 14, अगेंस्ट 19, 21 के अगेंस्ट है। और ये कहते हुए
ये कहा है कि ये तो एन इंजन ऑफ ऑपरेशन है, ये बारबरस है और इसको इस सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। लेकिन इसके बाद हरविंदर कौर बनाम हरविंदर सिंह के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो सेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है ऐसा नहीं है। कोहैबिटेशंस का मतलब है टू लिव टुगेदर और उसमें बहुत सारी चीज़ आती है। मैरिज एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और अगर उनको साथ नहीं रहना था तो शादी क्यों की है। तो अगर जस्टिफाइड नहीं है उसके साथ रहना तो ऑलरेडी जो है ना सेक्शन 9 में प्रोविजंस दिए हुए हैं ताकि इसका मिसयूज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है और इसको प्रोविजंस को सही माना, ये बिल्कुल सही प्रोविजंस हैं। और सिर्फ ये कह देना अगर भाई ये ओप्रेस करता है या किसी के लिए गलत है, ये नहीं है। लेकिन इसके बाद ही फिर एक सुप्रीम कोर्ट में केस और आया, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साथ रहना कोहैबिटेशन जो है वो कोई स्टैट्यूट नहीं बता रहा हमें, बल्कि ये शादी के साथ इनहेरियंट है साथ रहना। तो कोहैबिटेशन तो साथ है और इसके साथ में कोहैबिटेशन के साथ में बहुत सारी चीजें होती है, साथ रहना, साथ खाना पीना, परिवार को चलाना। और ये माना है कि ये सेक्शन 9 में पूरे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इसका मिसयूज ना हो, क्योंकि ट्रायल होती है, ट्रायल के बाद जज कहता है अगर मिसयूज हो रहा है तो उसको ऑर्डर ही नहीं करेगा साथ रहने के लिए। और ये कहते हुए इसको जस्टिफाई किया है कि सेक्शन 9 ठीक है और कुछ भी इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि कोर्ट से ऑर्डर तो हो जाते हैं, लेकिन ऑर्डर होने के बावजूद भी पक्षकार ऑर्डर को की पालना नहीं करते, तो उसमें ऑर्डर 21 में कुछ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दी हुई है कि ऑर्डर 21 के रूल 32-33 में अगर कोई पक्षकार कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा है तो उनकी प्रॉबर्टी अटैच कर सकते हैं। इस पर भी कई बार बातें उठती हैं कि भाई किसी को फोर्स किया जाए साथ रहने के लिए और फिर अगर वो नहीं उसको मान रहा है तो अटैच क्यों की जाती है प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो अटैच करते हैं वो सिर्फ पक्षकारों को एक तरह से प्रेरित करते हैं कि भाई वो साथ जाकर के रहे, और वो एक साल का अटैचमेंट होता है, उसमें या तो पक्षकार एक साथ रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। अगर नहीं रहते तो इसका मतलब ये है कि वो एक ग्राउंड बन जाएगा जुडिशियल डिवोर्स का लिए, तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली माना है और सही माना है मेरे विचार से। अब आपकी समझ में आ गया पूरी तरह से भाई रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स क्या है, कि दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापन के संबंध में जो प्रोसीजर्स है उसके बारे में हमने आपसे बात की है। अब बात करते हैं कि जुडिशियल सेपरेशंस क्या है। कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे पक्षकारों के बीच में कुछ झगड़े हैं और झगड़े कुछ इस तरह के हैं कि भाई हो सकता है कि टेम्परेरी हो और जो मनमुटाव है वो किसी वजह से समय के अनुसार साथ ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी पक्षकार जो ग्राउंड डिवोर्स के सेक्शन 13(1) और (2) में जो दिए हुए हैं उनके आधार पर जुडिशियल सेपरेशंस का केस ला सकते हैं, पिटीशन ला सकते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशंस के जो पिटीशंस हैं वो हमारे जो है ना हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में दिए हुए हैं कि किन किन ग्राउंड पर ला सकते हैं और कैसे इसका प्रोसीजर्स होगा। तो जुडिशियल सेपरेशंस में भी कोर्ट इन चीज़ों को देखता है कि क्या जुडिशियल सेपरेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। पक्षकारों के बीच में सपोज करिए एक जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री कोर्ट ने दे दी है और पक्षकार एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं तो किसी भी की भी एप्लीकेशंस पर वो उस डिग्री को खारिज कर सकता है। और पक्षकार जब एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं तो वो फिर कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें जुडिशियल सेपरेशंस की डिग्री नहीं दी जा सकती। जो हमारे सेक्शन 13
ए में जो प्रोविजन दिए हुए हैं कि जहां पर या तो कन्वर्जन कर लिया हो पक्षकारों के द्वारा, या वो सीज टू बी हिंदू तो कन्वर्जन हो गया, या फिर रिनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड, वो सन्यासी बन गए हो जिनको ये लगता है कि भाई अब ये बेकार है, ये मोह माया जो है अब मुझे इसमें नहीं रहना है, तो एक वो ग्राउंड है। और तीसरा ग्राउंड होता है प्रिज्यूम्ड डेड, कि जिसका 7 साल तक ये पता ना हो कि वो कहाँ पर है, क्या वो जिंदा ना हो, मतलब उसको पता ना चले भाई वो कहाँ पर है। जिन लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति जिंदा है और वो उसका पता नहीं चल पा रहा, तो इसको कहते हैं कि वो शायद मर गया है, तो उसको बोलते हैं प्रिज्यूम्ड डेड। तो इन 3 सिचुएशन को छोड़ करके बाकी में जुडिशियल सेपरेशन दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि जुडिशियल सेपरेशन आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे कि डिवोर्स क्या है और किन मामलों में डिवोर्स दिए जा सकते हैं। सेक्शन 13 दिया गया है, डिवोर्स की जो पिटिशन है वो कोई भी ला सकता है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में लाएगा। और सेक्शन 13(1) में ग्राउंड दिए हुए 8 ये सामने हैं आपके। कुछ ग्राउंड्स वाइफ को दिए हुए हैं स्पेशल ग्राउंड से, वो भी इसी में आते हैं। और डिवोर्स की जब डिक्री दे दी जाती है तो पक्षकार फिर एक दूसरे के पति पत्नी नहीं रहते हैं और वो स्टेटस उनका खत्म हो जाता है। तो आइए अब इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड है डिवोर्स का वो है एडल्ट्री का जो ग्राउंड बनाया गया है। अगर कोई भी पक्षकार अपने वैध लोक से बाहर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी के साथ में, तो वो एक ग्राउंड है कि इस आधार, तो इसमें ये साबित करना होगा ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। पहले 497 IPC में जो एडल्ट्री थी उसको खत्म कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानना है, क्योंकि ये मानते थे कि वह इसमें जो है ना वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी की तरह से माना गया, उसकी चीज माना गया है, उसको बराबर राइट नहीं थे, और क्योंकि जेंडर बायस था इसलिए जोसेफ के केस में इसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है, लेकिन ये ग्राउंड अभी भी डिवोर्स का एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड आता है क्रुएल्टी का। अगर पक्षकार एक दूसरे के साथ में क्रुएल्टी करते हैं, क्रुएल्टी सिर्फ एक फिजिकल नहीं होती, ये क्रुएल्टी मेंटल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, और बहुत तरह की हो। क्रुएल्टी के संबंध में पक्षकारों को अपना अपना पक्ष रखना पड़ता है और कोर्ट ये समझता है कि भाई वास्तव में क्रुएल्टी हुई है। एग्रीव्ड पार्टी का दूसरे पक्षकार के साथ रहना असंभव है, दूसरे पक्षकार के साथ रहना उसके लिए एक खतरा है, और एमिकेबल रिलेशनशिप या पक्षकारों में इस कारण से नहीं रह सकते हैं, तो क्रुएल्टी के आधार पर डिक्री किया जा सकता है। और जितनी भी पिटिशंस हैं डिवोर्स के संबंध में उन सब में क्रुएल्टी ज्यादातर एक ग्राउंड लेकर के आते हैं। तो क्रुएल्टी के संबंध में बहुत सारा लॉ डेवलप हुआ है और इस लॉ पर कोर्ट ने अपने अपने तरीके से बताया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसको एग्जास्टिव कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती कि क्रुएल्टी क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको इस संबंध में बाद में केस लॉ भी बताऊंगा, आपको डिटेल में जाना है तो उन केसेस को आप गो थ्रू करिएगा, तो यू विल गेट द होल डिटेल अबाउट द क्रुएल्टी। अब आगे बात करते हैं डेजर्सन की। जब एक पक्ष का दूसरे को छोड़ करके चला जाता है, उसके साथ नहीं रहता है, तो उसको डेजर्सन कहते हैं। कई बार हस्बैंड पत्नी को नहीं लाता है, उसको डेजर्ट कर दिया, छोड़ दिया उसको, और कई बार पत्नी चली जाती है, तो दोनों ही सिचुएशंस में ये डेजर्सन के ग्राउंड। लेकिन ये डेजर्सन जो है ये कम से कम 2 years का होना चाहिए, अगर ये 2 साल से कम का है तो फिर डेजर्सन का एक ग्राउंड नहीं आता इसमें, और ये कंटिन्यूस। डेजर्सन के संबंध में भी बहुत सारा लॉ है, क्योंकि ये भी एक बहुत ग्राउंड लिया जाता है डिवोर्स के केसेस में, क्योंकि पक्षकार को लगता है किसी को जो एग्रीड पार्टी है दूसरे के साथ रहना ठीक नहीं है, तो वो उसकी कंपनी से चला जाता है, को हैबिट नहीं करते, और दूसरे पक्षकार को लगता है कि ये डेजर्ट किया गया है, तो वो इस आधार पर अपना
केस लेकर के आते हैं। इस संबंध में बहुत सारा लॉ है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसके केस के बारे में बाद में आपको बताऊंगा, यू कैन गो इन डिटेल्स। आगे बात करते हैं वेनियल डिजीज की। इस तरह की कोई डिजीज है जो सेक्सुअली कम्युनिकेट होती, यानी इस तरह की डिजीज होनी चाहिए जो सेक्सुअली कम्युनिकेट होती है, तो पक्षकार फिर इस आधार पर अपना एक ग्राउंड लेकर के आते हैं और उसको साबित करते हैं। साबित होता है तो कोर्ट एक डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन दे देता है, साबित नहीं होता ना नहीं देता है। तो आगे बात करते हैं कि कन्वर्जन, क्योंकि ये शादी हिंदुओं के बीच में है और एक पक्षकार सीज्ड टू बी हिंदू को अलग रिलीजन में चला जाता है, तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। एक है कि इनसैनिटी, अगर एक पक्षकार पागल हो गया है, इनसैनिटी हो गई है, सिज़ोफ्रेनिया हो गया है, इस तरह का उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है डिजोल्यूशन का। एक है रिनंसिएशन, यानी कोई पक्षकार छोड़ ही देता है पूरी तरह से और दूसरे ऑर्डर में अपने आप को ले जाता है और उसको लगता है कि ये दुनियादारी अब बेकार है, तो रिनाउंस कर देता है वो। और ये रिनाउंस क्या एक्चुअल होनी चाहिए, मतलब वास्तव में छोड़ना चाहिए। अगर वो वास्तव में छोड़ देता है तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है दूसरे एग्रीड पार्टी के लिए कि वो जो है इस आधार पर डिवोर्स की डिग्री ले सकता है। अब बात करते हैं कि एक लेप्रोजी भी होती है, कि अगर एक पक्षकार को लेप्रोजी का एक डिजीज है तो दूसरा पक्षकार उस आधार पर डिवोर्स की डिग्री ले सकते हैं। प्रिजम्पशंस ऑफ डेथ, लास्ट, अगर एक पक्षकार 7 साल से गायब है, उसका पता नहीं चल रहा है, जिन लोगों को पता होना चाहिए या जिनको जानना चाहिए भाई वो कहाँ पर है और वो पता नहीं चल रहा है, तो ये माना जाता है भाई वो शायद डेथ हो गई है, तो 7 साल कम से कम उसमें होना चाहिए, तो भी ये ग्राउंड बन जाती है हमारी डिक्री के। कुछ ग्राउंड है जो दोनों पक्षकारों को इसके अलावा 8 ग्राउंड्स के अलावा मिलते हैं। एक होता है कि जहां पर जुडिशियल सेपरेशंस की डिग्री कोर्ट ने दे दी है और उसमें 1 साल हो गया है, 1 साल के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। इसी तरह से अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री दी गई थी और उसमें भी 1 साल हो गया है और पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं रहती है, वो हैबिट नहीं करती है, तो वो भी एक ग्राउंड बन जाती है डिवोर्स की। लेकिन जरूर नहीं होता कि वो हर तरह से, मतलब उनको ये डिवोर्स होना ही होना होता है। कोर्ट और भी कई चीज़ों को देखता है उसमें कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के बाद 1 साल हो गया है, तो हर हालत में उसको डिवोर्स दिया ही जाता है। कोर्ट आगे भी देख लेता है कि क्या प्रोविजन, क्या क्या आगे ऐसा लग रहा है कि डिग्री देना ठीक है या नहीं है। अब बात करते हैं कि कुछ स्पेशल जो राइट्स हैं जिन्हें पिटीशन ला सकती है, वो वाइफ के लिए भी ग्राउंड्स है, तो इसमें 4 ग्राउंड दिए गए हैं। पहला ग्राउंड है बायगैमी, अगर हस्बैंड शादी कर लेता है तो वो उसके आधार पे पिटीशन ला सकती है। दूसरा ग्राउंड है मेंटेनेंस, अगर वाइफ को मेंटेनेंस मिल रहा है, सेक्शन 18 हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत, अर्थात अगर वाइफ को सेक्शन 18 के तहत हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट में मेंटेनेंस मिल रहा है या सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मिल रहा है और उसको 1 साल हो गया है, 1 साल होने के बाद में पक्षकारों के बीच में साथ रहना नहीं हो रहा है, तो इस आधार पर भी पक्षकार जो है ये डिग्री वाइफ जो है अपनी डिवोर्स की डिग्री ले सकती है। अर्थात हम अगर बात करें
जैसे मेंटेनेंस की बात करते हैं, ये सेकंड ग्राउंड है वाइफ के लिए। अगर वाइफ को हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट सेक्शन 18 के तहत मेंटेनेंस मिल रहा है और इसी तरह से सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत उसको मेंटेनेंस मिल रहा है और एक साल उसमें हो गया है, पक्षकार एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, तो वो इस आधार पर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, उसका पिटीशन ला सकती है। तीसरा ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड जो है रेप सोडोमी बेस्टिलिटी के लिए गिल्टी हेल्ड किया जाता है तो वाइफ इस आधार पर पिटीशन ला सकती है। चौथा ग्राउंड है एज से रिलेटेड। जिस समय शादी हुई थी वाइफ 15 साल से कम की थी तो 18 साल से पहले वो अपनी शादी को रेपुडिएट कर सके और उसमें जो है जो रेपुडिएशन का है वो उसको 18 से पहले करना पड़ेगा और उसके आधार पर वो एक पिटीशन लाएगी कि मैं शादी को रेपुडिएट कर दिया है इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इस आधार पर भी डिक्री दी जा सकती है। तो ये कुछ ग्राउंड है जो सेक्शन 13(1) 13(1)(a) एंड 13(2) में जो दिए गए थे वे अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसके अब हम केस लॉ के संबंध में बात करते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट्स जो दिए गए हैं क्रुअल्टी के ऊपर, समर घोष वर्सेस गया घोष का लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें क्रुअल्टी कितने तरह की हो सकती है वो बताया गया है लेकिन ये एग्जास्टिव लिस्ट नहीं है। इसी तरह से नवीन कोहली व नीलू कोहली के संबंध में क्रुअल्टी के संबंध में विस्तार से डिस्कस किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि किन किन केसेज में क्रुअल्टी हो सकती है और डेजर्सन के संबंध में भी दो केस आपके सामने है, लक्ष्मण उत्तम चंद कृपानी और दूसरा है विपिन चंद्र जयसिंह भाई शाह। तो आप इनको गो थ्रू करेंगे तो यू विल हैव वेरी डीप नॉलेज अबाउट क्रुअल्टी एंड डेजर्सन। अब एक और बहुत डिवोर्स के संबंध में महत्वपूर्ण प्रोविजन है सेक्शन 13(b), वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं पक्षकार और डिवोर्स की डिग्री लेते हैं, यानी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो म्यूचुअल कंसेंट के लिए जो कंडीशंस है, एक कंडीशंस तो ये है कि पक्षकारों के बीच में कम से कम एक साल तक अलग रहने का होना चाहिए, यानी पक्षकार जब पिटीशन लाई जाती है म्यूचुअल कंसेंट की तो एक साल से अलग रह रहे हो। दूसरा ग्राउंड है कि उनके बीच में कोई झगड़ा ना रहा हो और वो आप अपने मामले को सुलझाना चाहते हो तो तब वो दोनों मिलकर के पिटीशन लेकर के आते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट जो है उसको फर्स्ट मोशन कहते हैं, जब दोनों प्रेजेंट होकर के कोर्ट में वो लाते हैं, कोर्ट उसको 6 महीने की तारीख देते हैं, 6 महीने के बाद फिर दोनों पक्षकार आते हैं, उसको सेकंड मोशन कहते हैं और कोर्ट समझता है कि ये अब इसमें देना चाहिए, ये जो पिटीशन में लेकर के आए हैं बातें वो सही है, तो उसमें उसको म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिक्री दे देते हैं। तो उसमें जो डेट होती है वो 6 महीने और 18 महीने, यानी 18 महीने से ज्यादा की नहीं दी जा सकती और 6 महीने से कम की नहीं दी जा सकती। कहीं पर क्या होता है कि पक्षकारों के बीच में शादी के कुछ समय के बाद ही, एक साल से पहले ही ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि साथ रहना कठिन है। जब साथ रहना कठिन होता है तो स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं एक्ट में कि अगर वो एप्लीकेशंस वहां पर लगाते हैं तो कोर्ट उसको कंसिडर करके और डिक्री दे सकता है। अब बात करते हैं हम मेंटेनेंस की। जब कोई भी पक्षकार, चाहे वो पिटीशन अपने सेक्शन 9 में लेकर के आए या 10 में लेकर के आए या फिर 13 में लेकर के आए और उसके पास इंडिपेंडेंट इनकम के सोर्सेज नहीं है, तो ऐसा पक्षकार कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है सेक्शन 24 के तहत, उसको पेंडेंटेलिटे बोलते हैं कि जब तक मामला लंबित है तो उसमें कोर्ट एक प्रोविजंस कर देता है कि एक तो जो खर्चे होते हैं प्रोसीडिंग्स के उसके लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। तो पेंडेंटेलिटी जो है उसमें कोर्ट देखता है कि
वास्तव में इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिससे अपने को सर्वाइव कर सके, केसेस को अच्छी तरह से ला सके। तो ये सेक्शन 24 कहता है इस संबंध में। और जहां तक 25 की बात है, 25 परमानेंट मेंटेनेंस की बात करता है। अगर पक्षकारों के बीच में फाइनल सेटलमेंट या कोर्ट ये समझता है कि आप जो है डिक्री देनी है डिसोल्यूशन की, तो कुछ परमानेंट एलिमनी दिला देता है या उसमें एक पीरियोडिक एलिमनी है वो भी कर देते हैं। तो ये दोनों प्रोविजंस मेंटेनेंस के संबंध में है। और जो पिटिशंस कोर्ट के सामने चल रही है उसी आधार पर जो है ये चलती रहती है। कोर्ट में जो पिटिशन चल रही है उसी के साथ ही मेंटेनेंस की पिटिशन भी चलेगी। तो सेक्शन 25 बात करता है परमानेंट मेंटेनेंस की। तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई परमानेंट एलिमनी देनी चाहिए, तो परमानेंट एलिमनी दे देते हैं। तो ये एक पीरियोडिकल भी हो सकता है और एक लमसम में भी हो सकता है। तो ये बात आई मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स की। अब आगे हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस की, जैसे कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जब पक्षकारों के बीच में कोर्ट में केस चल रहा होता है तो माइनर चिल्ड्रन है, तो बच्चों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए एक पक्षकार पिटिशन के साथ ये एप्लीकेशन लगाते हैं और कोर्ट उसको देखता है और जो भी कोर्ट को अच्छा लगता है कि इसमें बच्चों का वेलफेयर है, इस तरह के ऑर्डर्स कर देता है। तो ये मिसलेनियस प्रोविजंस है। इसी तरह से जो पक्षकारों के बीच में कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी होते हैं कि जो जैसे वाइफ की स्त्री धन के संबंध में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, और इसी तरह से हस्बैंड के भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के संबंध में भी साथ के साथ ही एक पिटिशन लाई जा सकती है और वो भी वही कोर्ट डिसाइड करेगा, फैमिली कोर्ट यानी। अब बात आती है कि जो ऑर्डर्स हैं, जो डिक्रीज हैं यहाँ पर, उनकी फिर अपीलें भी होती है। तो अपील्स का सेक्शन 28 में प्रोविजंस दिया हुआ है कि उसकी जो टाइम है, टाइम लिमिट्स है, वो 90 डेज है। तो इस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के संबंध में हमने जो आपको अभी सारा बताया है वो बताया है कि रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स और बाकी मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड अपील। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट होता है। मैं पहले लेक्चर में हमने आपको जैसे बताया था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेकर के अवॉइड और अवॉइडेबल मैरिज और इसी के साथ ही दूसरे प्रोविजंस बताए थे। अब नेक्स्ट बात आती है कि शादी के एक साल के बाद तो ला सकता है, लेकिन अगर डिवोर्स हो गया तो शादी कब कर सकते हैं। उसका सेक्शन 15 में बताया है कि या तो जो अपील की है उसका टाइम निकल जाए, या पक्षकार अपील ना करना चाहे, या अगर अपील की है तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो उसके बाद में पक्षकार जो है दोबारा शादी कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कोर्ट में जब डिवोर्स के संबंध में जब एप्लीकेशन लाई जाती है, पिटिशन लाई जाती है, तो उसका समय क्या होता है। उसका समय होता है एक साल। पक्षकारों के बीच में जब डिस्प्यूट होते हैं तो वो एक साल से पहले कोर्ट में डिवोर्स की पिटिशन नहीं ला सकते। तो सेक्शन 14 कहता है इस संबंध में कि आफ्टर 1 ईयर ऐसी एप्लीकेशन लानी चाहिए। लेकिन कई बार पक्षकारों के बीच में ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि एक साल से पहले ही ऐसा लगने लगता है कि दे कांट लिव टूगेदर। कोई बहुत ज्यादा आपस में मारपीट हो जाती है या कोई बहुत ही ज्यादा जैसे कोई मर्डर हो जाता है आपस में, पक्षकारों को लगता है कि अब एक दूसरे के साथ रहना कठिन है। या फिर वाइफ जो है सपोज करो कि किसी बच्चे को जन्म देती थी, वो बच्चा वो पहले से ही जो है प्रेग्नेंट थी, तो ऐसी सिचुएशंस में लगता है कि दे कांट लिव टूगेदर। तो एक साल से भी पहले पिटिशन लाई जा सकती है। इसके स्पेशल प्रोविजंस है, इसके लिए स्पेशल पिटिशन
लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि एक साल से पहले वो कोर्ट में डिवोर्स की डिग्री लाना चाहते हैं। कई बार कोर्ट को लगता है कि डिवोर्स की डिग्री देना सही नहीं है, तो कोर्ट ऐसी सिचुएशंस में, पिटीशन तो डिवोर्स की लगाई है लेकिन ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट को लगता है कि भाई हो सकता है थोड़ा सा कुछ समय के बाद पक्षकारों के बीच में शायद राजीनामा हो जाए या एक दूसरे के साथ रहने लगे या जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए, तो जुडिशियल सेपरेशंस की डिग्री भी दे सकता है अल्टरनेट में। तो जो सेक्शन 13A जो है वो इस संबंध में प्रोविजंस करता है कि किन केसेस में जुडिशियल सेपरेशंस की डिग्री दी जा सकती है डिवोर्स की बजाय। डिवोर्स की जो पिटीशन चल रही होती है और उसमें कोर्ट पाता है कि हमें अभी जो है कुछ समय देख लेना चाहिए, पक्षकारों को थोड़ा टाइम देना चाहिए समझने का, उनको एक अलग रह करके अपने को एसेस करने का टाइम देना चाहिए कि उनको कैसा लग रहा है, तो वो एक जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे सकता है। तो ये एक प्रोविजंस थे इसके संबंध में, डिवोर्स के संबंध में। और डिवोर्स के जैसे मैंने आपको प्रोविजंस बताए, डिवोर्स सेक्शन 13(1) जो दोनों पक्षकारों के लिए है, और इसमें जो वाइफ के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, इसके अलावा जो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स है, तो ये प्रोविजन डिवोर्स के संबंध में है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के संबंध में जो जो मेन प्रोविजंस हैं जिनके संबंध में हमें जानना चाहिए वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और वैसे आप और डिटेल में जाना चाहें तो जो केसेस लॉ मैंने आपको बताए हैं आप उनको थोड़ा गो थ्रू करिएगा, तो यू विल गेट डिटेल नॉलेज। और